दोस्तों, पढ़ाई खत्म होने के बाद चाहे आप कोई भी पढ़ाई करें, जैसे ही पढ़ाई खत्म होता है दिमाग में एक चीज चलता है कि यार मुझे जॉब कब मिलेगी, या फिर करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग टेंस में रहते हैं। कहाँ पर जाके नौकरी करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या प्राइवेट जॉब अच्छा है, अपनी देश में जॉब करूँ या विदेश जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह का तमाम भ्रम मन में चलते रहता है, एक भ्रम ही है जब तक वो कंप्लीट ना हो। और आज हम इसी भ्रम को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा देश जाना चाहिए, तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्री का और मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट अच्छा होगा या यूरोपियन कंट्री अच्छा होगा। तो आपके मन में ये लग रहा होगा कि भाई यूरोपियन कंट्री अच्छा होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि कौन सा देश सच में ज्यादा अच्छा होगा और किसको कहां पर जाना चाहिए। ये कौन सी बातों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा देश में जाके जॉब करना चाहिए, डिटेल्स जरूर देखिएगा। आपका करियर के लिए आपका डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है आज का हमारे वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ गल्फ कंट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपने पढ़ाई तो कर ली, चाहे आप टेंथ पढ़े हों, चाहे ट्वेल्थ पढ़े हों, चाहे ग्रेजुएशन किए हों, लेकिन दिमाग में अभी ये खाया जा रहा है कि भाई हमको नौकरी कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा इनकम होगा, कहाँ पर जाना बेहतर होगा, कहाँ पर जाना आसान होगा, ठीक है। तो देखिए, खाली सोचने से तो आसान नहीं हो जाता कोई चीज़, या सोचने से ही आप वो कंट्री में नहीं पहुँच सकते, उसके लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस होते हैं, पैसा लगते हैं, टाइम लगता है कि नहीं। तो बात करते हैं पहले यूरोपियन कंट्री का। देखिए, अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, फ्रेशर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल तो होता ही होता है जॉब लेने में, और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए कि अगर आप पहले बार अपना पेरेंट्स को छोड़कर जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और डर ये लगता है कि मैं जाने के बाद कितना महीनों के बाद वापस आऊँगा, अपने पेरेंट्स से मिल सकूँगा, ये मन में रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, अगर पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं करता। आपको जाना चाहिए पहले गल्फ कंट्री, ठीक है। अब गल्फ क्यों? गल्फ इसलिए क्योंकि खर्चा कम होगा और बहुत पास भी है इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, है कि नहीं है, ठीक है। हालांकि आज के डेट में फ्लाइट हर समय अवेलेबल है, तो जितना दूर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में जो दूरी बन चुका है दिमाग में, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूरी का मतलब है ज़्यादा पैसा खर्च होगा, आपका फ्लाइट टिकट का कॉस्ट बढ़ जाता है दोस्तों। इंडिया से अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हैं तो आपका जो फ्लाइट चार्ज वो 10,000 से 12,000 रुपया होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप जाते हैं यूरोपियन कंट्री दोस्तों, तो आपका फ्लाइट टिकट लगभग कभी 40, कभी 50, कभी लाख, कभी 1.5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप शुरुआती दौर पर जा रहे हैं तो पहले मिडिल ईस्ट जाएँ, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद यूरोप जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। बात करें सैलरी का, अगर आप यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, वहीं पर अगर आप मिडिल ईस्ट जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में आप कमा सकते हैं दोस्तों 40 से 50 हज़ार, या 30 से 40 हज़ार आप कह सकते हैं, ठीक है। बात करें यूरोपियन खान पान की, तो यूरोपियन खान पान ज़्यादा ब्रेड ज़्यादा वहाँ का चलन में है, लेकिन बात करें अपना मिडिल ईस्ट कंट्री का, तो मिडिल ईस्ट में जैसे आप इंडिया में खाना खाते हैं दोस्तों, लगभग खाना आपका वहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। लोगों की बात करें तो अगर आप जाते हैं यूरोपियन कंट्री में, तो यूरोपियन कंट्री में हर एक कंट्री में आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप गल्फ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस भी देखने को मिल जाता है। बात करें खर्चे की, तो दोस्तों यूरोपियन ऑलवेज एक ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है, महंगा ज़्यादा रहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अब बात यह है कि भाई जितना ज़्यादा कमाओगे जो कंट्री में, उतना ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। अगर यूरोप में अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है तो खर्चा भी उतना ही होगा, और अपना मिडिल ईस्ट में
कम इनकम होता है तो कम खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पहले मिडिल ईस्ट जाना चाहिए, कुछ साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद यूरोपियन जाना चाहिए। वो इसलिए देखिए, नौकरी के लिए कौन जाना चाहता है, जो गरीब तबका का हो या फिर मिडिल फैमिली का हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, वो चाहता है विदेश में जाके जॉब करें, ठीक है। बड़े लोग जो होते हैं ज़्यादा पढ़ने जाते हैं विदेश में, ठीक है। लेकिन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो नौकरी करने जाना चाहते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू गो फॉर स्टडी वीज़ा, आई वांट टू गो फॉर जॉब वीज़ा, बहुत लोगों का ये कहना होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अमीर आता है तो कहता है आई वांट टू गो फॉर स्टडी वीज़ा, आई डोंट वांट टू वर्क एनीवेयर, ठीक है। तो इस तरह का लैंग्वेज आता है। तो अगर आप गरीब फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन पहले गल्फ रहेगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप यूरोप जाते हैं दोस्तों, यूरोप जाने में आपका 5 से 6 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। वहीं पर अगर आप गल्फ जाते हैं तो गल्फ में आप लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख तक खर्चा होता है आपका, ठीक है। तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है गल्फ जाने के लिए, लेकिन अगर आप जाते हैं यूरोपियन कंट्री तो आप कोई लोन लेता है, कोई कहीं से उधार लेता है, ठीक है, कहीं से मैनेज करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है और इसमें पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशर होता है दोस्तों। लेकिन गल्फ जाने में किसी को कोई प्रेशर नहीं है। जितना में आप एक स्कूटी खरीद सकते हैं, उतना पैसा में आप गल्फ जाके अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। बात करें अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं, जितना में आपका मोबाइल आ जाएगा उतना में आप जॉब ले सकते हैं दोस्तों, पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं गल्फ कंट्री के लिए। तो सही है ना, एक बेहतर मतलब ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह का फैमिली से बिलोंग करते हैं तो, और आप अपना पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गल्फ कंट्री सबसे ज़्यादा बेहतर होगा फ्रेशर्स के लिए। लेकिन एक बार आपने 2 साल का काम कर लिया, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूँ 2 साल के बाद अगर आप गल्फ में रहेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि गल्फ जाने से आपको सिर्फ सैलरी मिलता है, अदर बेनिफिट्स नहीं मिलता। मैं रहने खाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे PR का फैसिलिटीज नहीं है गल्फ कंट्रीज में। वहीं पर अगर आप यूरोप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन हो जाता है PR के लिए, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे बातें हैं जो आपको पहले कंसिडर करना चाहिए गल्फ कंट्री को, अगर आप फ्रेशर हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं दोस्तों, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जितना का भी हो, ठीक है, आपको यूरोपियन कंट्री जाना चाहिए। अगर आप गल्फ कंट्री या यूरोपियन कंट्री के बारे में और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे और DM करें। मैं कोशिश करूँगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।